नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में 12 मई 2018 की सारी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स रेलवे, यूपी पुलिस, एसएससी और बैंक, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों आपको बता दूँ कि कल संडे है, तो कल आपका पूरी करंट अफेयर्स का जो इस हफ्ते में कवर की गई है एक मॉक टेस्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के आंसर दे देंगे। और दोस्तों अगर आप इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप मेरे चैनल जो कि टेलीग्राम पर है उससे ऐड हो जाइए, क्योंकि मैं वहाँ पर आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ, अगर आपने मेरे चैनल इंडियन स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकन बनकर आएगा, इस बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिका ने हाल ही में किस देश पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन से आपका उत्तर कोरिया, दूसरा ऑप्शन से आपका पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन से आपका सीरिया और लास्ट ऑप्शन दोस्तों ईरान। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या है? डी, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुप्रीम कोर्ट ने कितने समय में यौन उत्पीड़न निरोधक समिति गठित करने के लिए जिला न्यायालय को निर्देश जारी किया है? पहला ऑप्शन से आपका 6 माह, दूसरा ऑप्शन से आपका 4 माह, तीसरा ऑप्शन से आपका 3 माह और लास्ट ऑप्शन दोस्तों 2 माह। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या है? डी, 2 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय आम की मांग वैश्विक बाजार में बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार अगले सप्ताह किस स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगी? पहला ऑप्शन से आपका मुंबई, दूसरा ऑप्शन से आपका दिल्ली, तीसरा ऑप्शन से आपका चंडीगढ़ और लास्ट ऑप्शन दोस्तों इलाहाबाद। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ए, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के जनकपुर में भारत के किस स्थान के लिए बस यात्रा आरंभ की? पहला ऑप्शन से आपका वृंदावन, दूसरा ऑप्शन से आपका अयोध्या, तीसरा ऑप्शन से आपका मथुरा और लास्ट ऑप्शन दोस्तों कोणार्क। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है बी, अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान हाल ही में किस देश के साथ दो समझौते पर हस्ताक्षर किए? पहला ऑप्शन से आपका इजराइल, दूसरा ऑप्शन से आपका पनामा, तीसरा ऑप्शन से आपका क्यूबा और लास्ट ऑप्शन दोस्तों यूनान। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है बी, पनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में 11 मई 2018 को मनाए जाने वाले दिवस का क्या नाम है? पहला ऑप्शन से आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, दूसरा ऑप्शन से आपका राष्ट्रीय खाद्य दिवस, तीसरा ऑप्शन से आपका राष्ट्रीय रोजगार दिवस और लास्ट ऑप्शन दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिसेफ द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बच्चे 1 घंटे के भीतर स्तनपान ग्रहण करते हैं? पहला ऑप्शन से आपका 20.6%, दूसरा ऑप्शन से आपका 38.2%, तीसरा ऑप्शन से आपका 41.6% और लास्ट ऑप्शन दोस्तों 80%। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है सी, 41.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस आईटी कंपनी ने कर्मचारियों के यूएसबी इस्तेमाल पर रोक लगाने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन से आपका एससीएल, दूसरा ऑप्शन से आपका माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा ऑप्शन से आपका सॉफ्ट इंक और लास्ट ऑप्शन दोस्तों आईबीएम। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या है? डी, आईबीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? पहला ऑप्शन से आपका केएल राहुल, दूसरा ऑप्शन से आपका आशीष चौधरी, तीसरा ऑप्शन से आपका ऋषभ पंत और लास्ट ऑप्शन दोस्तों अनुज त्रिपाठी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है सी, ऋषभ पंत। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक का क्या नाम है जिन्होंने वॉलमार्ट से डील के बाद पद से त्यागपत्र दे दिया? पहला ऑप्शन से आपका बिन्नी बंसल, दूसरा ऑप्शन से आपका सचिन बंसल, तीसरा ऑप्शन से आपका अनिल बंसल और लास्ट ऑप्शन दोस्तों देवेश जायसवाल। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है बी, सचिन बंसल। तो दोस्तों ये थी आपकी 12 मई 2018 की करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ाना इसी तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।